हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग स्पेशली गर्ल्स और लेडीज़ के लिए ही है, बट आप जेंट्स हैं एज अ हस्बैंड और एज अ रिलेटिव देखना चाहें तो देख सकते हैं किसी अपने के लिए। ये रीडिंग है कॉन्सीविंग ऑफ अ चाइल्ड के बारे में। वो गर्ल्स और लेडीज़ जो वेट कर रहे हैं अपनी फैमिली में किसी चाइल्ड के आने का, गुड न्यूज़ के आने का, उनके लिए ये रीडिंग है। इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस तभी फॉलो करें जब आपको लगता है कि यहाँ बताई हुई सिचुएशंस आपके साथ एज इट इज़ चल रही हैं। इस रीडिंग से देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सिचुएशंस क्या हैं इस वक्त, एंड सेकंड थिंग आप किन एनर्जीज से सराउंडेड हैं। इट मींस क्या यूनिवर्सली कोई ब्लेसिंग्स आपकी ओर आ रहे हैं, क्या कोई गुड न्यूज़ आ रही है, किसी तरह का ऑब्स्टेकल भी अगर है तो भी सामने आएगा। एंड जो आप गुड न्यूज़ चाहते हैं इससे रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको कब तक मिलने वाला है। आप रिलैक्स रहें, गहरी सांस लें। जस्ट अ मिनट प्लीज। या ऑल राइट, द हाई प्रिस्टेस हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सो कन्फ्यूज़न तो आपको दिया हुआ है अभी यूनिवर्स ने ही गुड न्यूज़ के बारे में। ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप अपने चाइल्ड को लेकर के एक लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं और इस गुड न्यूज़ के आने का वेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो पेस को दिखाता है। तो इट लुक्स लाइक कि बहुत टाइम हो चुका है आपको, अब तक ये गुड न्यूज़ नहीं मिली है, लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, यस, यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ हैं और सिर्फ पार्टनर के साथ ही हैं, चाइल्ड यहाँ नहीं है। इट मीन्स आप चाहते हैं कि अब आपकी फैमिली में एक चाइल्ड भी जल्द से जल्द आ जाए। सिक्स ऑफ वेंड्स है यहाँ पर, आपका रिसेंट पास्ट है। इट मीन्स इस वक्त आप दोनों, आप और आपके हस्बैंड रेडी हैं और चाहते हैं घर में एक चाइल्ड भी आए। नंबर सिक्स है, म्यूचुअल सपोर्ट को दिखाता है। इट ऑल्सो लुक्स लाइक कि रिसेंट पास्ट से आप जिस राह पर बढ़ रहे हैं वो राह खुद आपको आगे जाकर एक गुड न्यूज़ देने ही वाली है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है। आप दोनों आपस में म्यूचुअली हैप्पी हैं एक दूसरे के साथ इमोशनली, बट प्रैक्टिकली जब देख रहे हैं तो इट लुक्स लाइक कि कॉम्पिटेबिलिटी की कमी है। इट मीन्स जो एक दूसरे से विश है वो अभी तक फुलफिल नहीं हो सकी है। ऑलराइट, ओके, सो इमीडिएट फ्यूचर है आपका एट ऑफ कप्स, जो बताता है अभी नेक्स्ट कुछ मंथ्स तक तो आपको इस बारे में थोड़ा वेट करना पड़ेगा गुड न्यूज़ के लिए, बिकॉज़ आप अभी भी सिंगल ही दिखाई दे रहे हैं। 8-9 नंबर यहाँ पर हैं, बट इसके बाद यूनिवर्सली कुछ गुड न्यूज़ आपकी ओर आने वाली है। एट ऑफ वेंड्स गुड न्यूज़ के आने का कार्ड है यहाँ पर। किंग ऑफ सॉर्ड्स आपका डिसीज़न है जो कि आपने रिसेंट पास्ट से ही लिया है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, फैमिली में चाइल्ड आ सके। तो इस बारे में जो आपको न्यूज़ मिलने वाला है दैट इज़ पेज ऑफ कप्स। इट मींस थोड़ा टाइम लगने वाला है, बट यहाँ आपकी लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। द सन है बॉटम ऑफ द डेक में, नाइस। तो ये जो पेज ऑफ कप्स वाला इम्प्रूवमेंट है
ये जो गुड न्यूज़ है ये आपको मिलेगा अबाउट 8 to 9 months के विदिन। द सन है यहाँ पर, द सन आने का मीनिंग ही यही है। द सन में आप देख सकते हैं देयर इज़ अ चाइल्ड और आपकी फैमिली में ये आने ही वाले हैं। सो इस वक्त जो इशू है दैट इज़ मैजिशियन। ऑलराइट, एक्चुअली जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो एज एन ऑब्स्टेकल यहाँ आया है। साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक में द हाई प्रीस्टेस भी आई हैं। इट शोज वन थिंग, साथ साथ यहाँ पर आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स में हैं। तीनों कार्ड को एक साथ देखने पर इट लुक्स लाइक कि इस वक्त आप अफेक्टेड हैं बाई सम डेविल एनर्जीज। ऑफकोर्स डेविल एनर्जीज से अफेक्टेड होने का मीनिंग है किसी तरह का इविल आइज भी हो सकता है आप पर है। सो इमीडिएट फ्यूचर एट ऑफ कप्स है, यहाँ तो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, बट 8 to 9 months के लास्ट में एट ऑफ वेंट्स एक गुड न्यूज़ आपकी ओर आ रही है। दिस शोज कि आप इस वक्त कॉन्सीव कर रहे हैं। और पेज ऑफ कप्स विद द सन कार्ड यही बताते हैं कि आप को ये गुड न्यूज़ एट लास्ट मिलेगी। सो दिस कैन टेक अप टू 8 to 9 months। सो ये बात आपको इस वक्त जो जिस गुड न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं, ये इस वक्त आपको अदर्स के साथ बहुत शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ द हाई प्रीस्टेस हैं और द मैजिशियन एज एन ऑब्स्टेकल आए हैं। तो कुछ ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप कॉन्सीव करें, आपके घर में कोई मेहमान आए। इट्स लाइक दैट। एंग्जाइटी, इसी वजह से आप एंग्जाइटी में हैं, बट ये एंग्जाइटी आपको रखना नहीं है, बिकॉज कुछ ही समय बाद एंजल ऑफ लव हैं। सो ये भी इंडिकेट करती हैं एंजल ऑफ बैलेंस, जो ये इस वक्त डार्कनेस चल रहा है किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से, इसमें बैलेंस आएगा। एंजल ऑफ लव आपके साथ हैं। ऑलराइट, सो जहाँ तक सवाल है आपके चाइल्ड के आने का, this is going to happen within 8 to 9 months at last। let's see your child's energies for you। kaisa rehne wala hai aapka sab kuch। the world, appreciation, door to personal healing and happiness। so aapka connection bhi apne child ke sath angel of love ne bhi yahan par prove kar diya hai कि चाइल्ड भी आपका इट विल बी लाइक डिवाइन चाइल्ड, बिकॉज एंजल ऑफ लव है यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड के साथ हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, आप काफ़ी हील्ड महसूस करेंगे अपने चाइल्ड के आने के बाद। सो इस वक्त आपको हाई प्रीस्टेस एंड मैजिशियन थोड़ा केयरफुल रहना है, आसपास के लोगों से इसे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसीलिए आप थोड़ा डिले हो रहे हैं। बट 8 to 9 months के लास्ट में आपको ये गुड न्यूज़ श्योरली मिलने वाला है। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। इम्प्रूविंग हेल्थ, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। पीसफुल रिजोल्यूशन यहाँ पर है। लिसन टू योर इंट्यूशंस भी कहा है एंजल्स ने। पीसफुल रिजोल्यूशन का मीनिंग भी यही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो विश आपने लॉन्ग टाइम से रखा हुआ है और फुलफ़िल नहीं हुआ था, अभी भी बेसिकली 5 of coins है यहाँ पर, इट मीन्स अभी भी फुलफ़िल नहीं हुआ है। तो पीसफुल रेजोल्यूशन का मीनिंग है देयर विल बी अ टाइम जब सब कुछ ठीक होगा, एट प्रेजेंट आप अपनी हेल्थ पर फोकस करें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।